अजीत सो गाइस, आज का वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है क्योंकि जो आज फाइनली अपने हल्दी लग चुकी है, देख सकते हो शरीर पे पूरे पे बदन पे यही चीज हल्दी लगी है। तो अब हम स्नान करके फिर मार्केट में निकलेंगे। आज की जो भी होने वाला है प्रोसेस, जो भी मार्केट में हम लेने वाले हैं, सब आपको डिटेल में बताएंगे। वीडियो पर बने रहना और चैनल को पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि शादी का जो वीडियो है वो इसी चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलो सो गाइस, अभी हम जाते हैं मार्केट, स्नान करने के बाद मार्केट निकलेंगे और जो भी वो मार्केट में होगा सब आपको डिटेल में बताएंगे और हल्दी का लगने का मतलब क्या होता है वो भी आपको डिटेल में बताएंगे। चलो इस वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। सो गाइस, फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ। अब हम जाने वाले हैं खेत पाल पूजने के लिए। ये जो हमारा खेत होता है उसकी बाउंड्री होती है, उस पर ये जो मिट्टी को पूजा जाता है अपने खेत को पूजने के लिए, ये हम जा रहे हैं। तो स्पेशली ये जो राजस्थान में अलग अलग सी रस्में होती हैं, अलग अलग से रीति रिवाज से पूजा जाता है। तो अभी जो हम जा रहे हैं वो आपको बताएंगे कि ये जो क्या क्या होता है। तो जाने के बाद मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि जो क्या एक्चुअल में होता है, क्या क्या होती हैं, बाकी जो प्रसादी वगैरह जो भी माला वगैरह होती है वो सब हमने रेडी कर दी है। अब यहाँ से रवाना होने वाली है और उसके बाद में ये रस्म होती है, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या है जो होता है इसमें, क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मिलता हूँ उसके बाद में। तो सो गाइस, जो एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कर दूँ कि जो ये हल्दी क्यों लगाई जाती है, एक्चुअल में जो मैंने जो अपने मम्मी पापा से बात की थी इसके बारे में हल्दी के लिए, तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि जो जितना ये चीज़ बुराई चीज़ें होती हैं, जो बुरी चीज़ें होती हैं, बुरी नज़र लग जाती है किसी को, तो उनसे दूर रखने के लिए और अपने शरीर में कुछ जो ऐसे जो छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है या छोटी मोटी ऐसी कुछ बीमारियाँ होती हैं उनको दूर करने के लिए स्पेशली इसका प्रयोग किया जाता है। और भी ये जो अलग अलग थे इनके बोला जाता है, पर जो मेरे को बेसिक मिला है वही चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ। यदि आपको इसके बारे में और भी नॉलेज है तो जरूर कमेंट करके बताना आप। ठीक है, हल्दी में जो होता यूँ है कि जो हल्दी लगने के लिए जो अपने जो भाभियाँ होती हैं, अपने जो बड़े पापा या जो जिसकी भी जो बहनें होती हैं, तो वो स्पेशली हमारे आती हैं और जो वो हल्दी वगैरह करती हैं। तो अभी जो हमारे हल्दी भी हो चुकी है, मैंने आपको दिन में ही जो बता अपडेट दे दिया कि जो हल्दी फाइनली हो चुकी है मेरी, तो हल्दी जो दिन में ही हो चुकी थी। अब हमारा जो खेतपाल को रेंजिंग में जा रहे हैं, खेतपाल जो खेत की बाउंड्री पे पूजा जाता है, जो भी देवता होते हैं वहाँ पे उनको पूजा जाता है। तो अभी हम खेतपाल के लिए हम रेडी हो चुके हैं फाइनली और अब हम निकलने वाले हैं खेतपाल के लिए। मिलते हैं उसके बाद में, आपको क्या होता है इसका प्रोसेस सब आपको डिटेल में बताऊंगा। बाकी जो हमने खेतपाल के लिए जो वापसी होते हैं, जो देवता होते हैं, उनके लिए प्रसादी एक्चुअल में बना दिए हैं, रेडी कर दिए हैं, अब रवाना हो रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं उसके बाद में।